ये किसका पर्स है? इतने सारे पैसे? अबे ओ ड्राइवर, तूने मेरा पर्स चोरी किया है ना? मैडम, मैं आपका पर्स क्यों चोरी करूंगा? देख, तू दो कौड़ी का ड्राइवर है, और अगर तूने मेरा पर्स चुराया भी है ना लालच में आकर के, तो चुपचाप बता दे, क्योंकि मेरे पर्स में बहुत सारे पैसे थे, और अगर वो मुझे पर्स नहीं मिला ना, तो सारे के सारे पैसे मैं तुझसे निकलवाऊंगी। मैडम, मैंने आपका पर्स देखा ही नहीं, तो चुरा कैसे सकता हूँ? आपको गलत फहमी हुई है मैडम। अरे बेटा, क्या हुआ? इसने ना मेरा पर्स चोरी किया है, और उस पर्स में बहुत सारे पैसे थे, वापस ही नहीं करना चाहूंगा। मेरा पर्स? ये तेरे पास क्या कर रहा है? तूने बिल्कुल सही कहा था बुड्ढे, पैसे तूने नहीं चुराए थे, बल्कि इस बुढ़िया ने चुराए थे। अभी वो बुढ़िया तुझे शर्म नहीं आती चोरी करते हुए? अरे बेटा, मैंने कोई चोरी नहीं करी, आपका पर्स तो वहाँ पड़ा था, और वो मैं झाड़ू लगा रही थी। जब मुझे आपका पर्स मिला और आपको मैंने इनसे बात करते सुना, तो तभी मैं आपका पर्स वापस करने आई। बेटा, बजाय थैंक यू कहने के आप मुझे उल्टा सीधा बोल रही हो। अरे ओ, मेरा पर्स वहाँ कैसे गिर सकता है? मैंने वहाँ थोड़ी गिराया अपना पर्स। तू क्या कहना चाहती है, कि मैं लापरवाह इंसान हूँ? बेटा, तुम लापरवाह तो हो, साथ के साथ बदतमीज भी हो, और तुम्हारी लापरवाही की वजह से तुम्हारा पर्स खोया था, और तुम इल्जाम इस बेचारे ड्राइवर पर डाल रही थी। तुम्हें शर्म नहीं आई? देख बुढ़िया, औकात में रहकर बात कर, वरना चोरी के केस में ना मैं तुझे अंदर करवा दूंगी। जब मैंने कुछ किया ही नहीं, तो तुम मुझे जेल में कैसे डलवा सकती हो? चुपचाप चली जाए ऐसे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम जैसी घमंडी और बदतमीज लड़की से बात करने का। हाँ हाँ, ठीक है, जाए यहाँ से, और तू चल गाड़ी चला। जी सर, मैं कल से ज्वाइन करता हूँ। यस, ये खुशखबरी माँ को बताता हूँ। माँ, माँ। हाँ बेटा, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे? माँ, आपको पता ना मैं इंटरव्यू देने के लिए गया था। हाँ, वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया और कल से ज्वाइनिंग है। क्या, सच में बेटा? कंग्रेचुलेशंस, मुझे पता था तेरी एक दिन जॉब जरूर लगेगी। थैंक यू सो मच माँ। माँ, लेकिन आपके चेहरे पे उदासी सी छाई हुई है, ऐसा क्यों? मेरे से आपके चेहरे की उदासी देखी नहीं जाती, बताओ ना क्या बात है? अरे बेटा, पता है आज क्या हुआ? आज ना कुछ सफाई अभियान का काम चल रहा था, तो उसमें मैंने भी पार्टिसिपेट कर लिया, और मैं भी सड़क पे झाड़ू लगाने लगी कि हमारा देश साफ रहे, स्वच्छ रहे, गंदगी ना फैले। ये गंदगी की वजह से तो मच्छर वच्छर होते हैं, उसी की वजह से मलेरिया वगैरह हो जाता है। पता है बेटा, वहाँ पे एक लड़की की मैंने मदद करी, मदद के बदले थैंक यू तो बोला नहीं गया, उल्टा मेरी बेइज्जती करने लग गई, मुझसे बदतमीजी करने लग गई। आजकल के बच्चों में संस्कार ही नहीं है, बड़ों से बात करने की तमीज ही नहीं है। अब तू ये बता बेटा, मैंने क्या गलत काम किया? झाड़ू लगाना कोई गलत काम है? मुझे तो लग रहा है उस लड़की ने मुझे इस काम से ही जज किया है। नहीं माँ, आपने कुछ भी गलत नहीं किया, उल्टा आपने तो बहुत अच्छा काम किया। आप तो एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभा रही हैं। जहाँ आजकल कई युवा भी इस काम से पीछे हटते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते हैं, उस ओर आप इस उम्र में भी इतना कुछ करनी है देश के लिए, मुझे ये जान के बहुत ज़्यादा खुशी हुई। माँ, सच कहूँ ना, आप ना वर्ल्ड की बेस्ट मामा है, एंड माँ, आई एम प्राउड ऑफ यू। अरे वाह, मेरा बेटा तो बहुत समझदार है, मुझे पता था एक दिन तो मेरा नाम रोशन जरूर करवाएगा। अच्छा चल, ठीक है बेटा, इतनी बड़ी गुड न्यूज़ है, तो तेरे लिए मैं खीर बना के लाती हूँ, तेरा मुँह मीठा करवाती हूँ। ठीक है माँ, जब खीर बनाई दी हो तो गाजर का हलवाई बना देना। बिल्कुल बना दूंगी बेटा। ठीक है, चलो यार, ये तो सही हो गया। सना, न्यू ईयर पे कहाँ चले फिर बता ना। अरे न्यू ईयर के प्लान्स के बारे में छोड़ो, तो मुझे ये बताओ कि तुमने रिंग के बारे में क्या सोचा? मैंने तुम्हें बोला था ना कि मुझे डायमंड रिंग चाहिए। हाँ, डायमंड रिंग दिलाता हूँ ना तुम्हें। मैं क्या सोच रहा था कि कुछ टाइम बाद तुम्हें फैमिली से मिला के एंगेजमेंट कर लेते हैं, अभी तुम्हें डायमंड रिंग भी दे दूंगा। एंगेजमेंट? मतलब एंगेजमेंट? शेखर, तुम इतनी जल्दी एंगेजमेंट के बारे में सोच रहे हो? यार अब देखो ना, तुम्हारी भी उम्र हो गई है शादी की, और मेरी भी हो गई है, और मेरी जॉब भी लगी गई है, करियर वगैरह सब सेट ही है, तो अब एंगेजमेंट वगैरह करके शादी कर लेंगे। जैसे तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें ठीक लगता है तो क्या ही करते हैं इसमें। तो तुम अपनी फैमिली में कब बात कर रही हो? मैं, तुम पहले मुझे अपनी फैमिली से तो इंट्रोड्यूस करवाओ, फिर देखते हैं ना। चलो ठीक है, फिर मैं जल्दी तुम अपनी फैमिली से मिलवा देता हूँ। अच्छा सुनो ना यार, रात बहुत ज़्यादा हो गई है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। क्या बात है सना, तू इतनी बदली बदली से लग रही है, और ये क्या पहन रखा है तूने? अरे पागल, दिखाई नहीं दे रहा क्या? सूट है, इतना प्यारा सूट पहना हुआ है मैंने। आखिर आज अपनी होने वाली सास से जो मिलने जा रही हो? तभी तो ये सब दिखावा चल रहा है। वही मैं कहूँ, इतनी मॉडर्न लड़की इतना शरीफ कैसे बन सकती है? देख ले,
अगर ज्यादा शरीफ समझाना तो घर के सारे काम करवाएगी तेरे से। देख पहली बात तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हाँ तो समझ ही गया कि मैं दिखावा कर रही हूँ। और दूसरी बात, ये जो तू कह रहा है ना कि मेरी सास मुझसे काम कराएगी, तुझे लगता है क्या कि तू ही मुझे इतनी आसानी से दबा सकता है? एक बार शादी हो जाने दे मेरी शेखर से, फिर देखती हूँ कि क्या है उसकी माँ और क्या है वो। वो तो अमीर लड़का है, बस इसीलिए आज इतना दिखावा करके जा रही हूँ कि उसकी माँ मुझे अभी पसंद कर ले और शादी फिक्स कर ले, उसके बाद बस शादी हो जाए और मेरी मौज ही मौज है। वैसे भी अगर किसी दिन ना तेरी सास से बोलोगी कुछ खाने को बना दे, तुझे तो मैगी भी नहीं आता, तो बोलेगी इधर आओ आप ही बना लो। यार देख, ये तो तूने बिल्कुल 100% की बात करी है। अब चल मैं जाती हूँ, क्योंकि अगर लेट हो गई तो फिर शेखर गुस्सा करेगा। हाँ जा, बाय बाय। तरस आ रहा है मुझे इसकी वहाँ पे। आओ सना। सना, ये है मेरी माँ। शेखर, ये है तुम्हारी माँ? हाँ, ये है मेरी माँ। तो मतलब तेरी माँ एक झाड़ू वाली है? ये क्या बकवास कर रही हो सना तुम? बकवास मैं नहीं कर रही हूँ, बकवास तो तुम लोग कर रहे हो मेरे साथ। अरे तुमने तो कहा था कि तुम बहुत ही अमीर इंसान हो, अगर तुम अमीर इंसान हो तो तुम्हारी माँ रोड पर झाड़ू लगाती क्यों फिर रही है? पागल वागल हो गई हो या दिमाग ठिकाने पे नहीं है, कुछ भी बोली जा रही हो इतनी देर से। मैं सच में पागल हो गई थी जो मैंने तुम्हारी बातों पर यकीन किया और तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आई। दिमाग खराब हो गया था मेरा, असलियत तो अब पता चली मुझे कि तू एक नंबर का फ्रॉड है। ये तुम दोनों की प्लानिंग होगी ना, ये घर भी तुम्हारा खुद का नहीं है। पक्का पक्का किसी ने तुम लोगों को ये घर देखभाल करने के लिए दिया होगा, लेकिन तुम लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हो, है ना? और तू, तेरा तो काम ही यही होगा, है ना? अमीर लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा लो और उसे बाद में लूट लो। अचानक क्या हो गया तुम्हें, कुछ भी बोली जा रही हो? अरे कुछ कह नहीं रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि कुछ भी बोले जाओगी। अब कुछ फालतू बोला ना थप्पड़ मारूंगा उल्टा खींच के तुम्हारे। बकवास कर रही हो यहाँ पे? मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ, अपनी माँ से पूछ रोड पर क्या कर रही थी वो, झाड़ू लगा रही थी। वो बेटा मैं बताती हूँ, मैं उस दिन कैंपियन में गई थी ना, तो तब मैं वहाँ पे सफाई कर रही थी और उसी दौरान मैंने वहाँ पे देखा कि नीचे पर्स गिरा हुआ है। मैंने पर्स उठाया, उसमें बहुत सारे पैसे थे और वहीं पे ही अपने ड्राइवर को बहुत उल्टा सीधा बोल रही थी, तो मैं वो पर्स इनके पास लेकर गई कि मैम ये आपके पैसे हैं। पर बेटा मुझे नहीं पता था कि ये होगी और इसने मेरी वहाँ पे बहुत बेइज्जती करी। और तुझे यही लड़की पसंद आई थी बेटा, और कोई नहीं था क्या तेरे लिए? बेटा तुझे पता भी है ये कितनी घमंडी लड़की है, इसे बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि अपने से बड़ों से किस तरीके से बात की जाती है। देख शेखर बेटा, अब फैसला तेरे हाथ में है, या तो तू इसको चुन ले या मुझे चुन ले, क्योंकि मैं तो इसके साथ इस घर में नहीं रह सकती हूँ। जिस लड़की ने मेरी इतनी बेइज्जती करी हो उसके साथ मैं इस घर में कैसे रह सकती हूँ? माँ कैसी बात कर रही हैं आप? आपके आगे इसकी कोई भी कीमत नहीं है, आपने मुझे बड़े लाड प्यार से पाला है और आपकी आज्ञा के बिना मैं एक कदम भी नहीं बढ़ा सकता। आपने कह दिया कि इसे छोड़ना तो छोड़ दूंगा, और वैसे भी मैं इसे आप कैसे अपना सकता हूँ? इसने मेरी माँ का अपमान किया है और मेरी माँ का अपमान करके कोई भी मेरी नज़रों में सम्मान का अधिकारी तो हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं, आप निश्चिंत रहें, इसे मैं छोड़ रहा हूँ। शेखर ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मेरे पैसे खो गए थे, मुझे लगा मेरा पर्स चोरी हो गया है और उसी टाइम पर तुम्हारी माँ वहाँ पर मेरा पर्स लेके आई थी। मुझे लगा कि वो पर्स उन्होंने ही चुराया है क्योंकि उनके हाथ में झाड़ू थी, और तो मुझे लगा इन्होंने ही वो पर्स चुराया है, इसी वजह से मैंने इनको इतना सुनाया था। बस वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, प्लीज़ मेरी कोई गलती नहीं है, तुम इस बात के लिए मुझे छोड़ने के लिए तैयार हो गए? मिसअंडरस्टैंडिंग सना, ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, असलियत खुल गई है तुम्हारी, सबके सामने आ चुकी है। पागल था, सोच रहा था कि प्यार करती हो तुम मुझसे, लेकिन असल मायने में आज समझ में आ चुका प्यार मुझसे नहीं पैसों से था। चलो एक गलत फहमी ने हमारी किस्मत तो सवार दी, वरना तुमसे मोहब्बत करके तो हम बर्बाद होने वाले थे। सना तुमने क्या कहा, माँ झाड़ू लगा रही थी तो तुमने उनके साथ ऐसा बिहेव किया? पहली बात तो सना ये कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, और जो झाड़ू लगा रहा है इंसान, उससे अच्छा इंसान भला कौन हो सकता है? हमारे आसपास साफ सफाई रखने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं वो लोग, अगर वो लोग ना हो ना तो आसपास मच्छर वगैरह होंगे और ढेर सारी बीमारियां होंगी, और जब ढेर सारी बीमारियां होंगी तो हम लोग भला कैसे स्वस्थ रह पाएंगे? उन लोगों का शुक्रिया करने की बजाय तुम उनसे बदतमीजी से पेश आ रही हो।
सना मेरी एक बात ध्यान रखना, जिस इंसान का व्यवहार गलत होता है वो अपने परिवार को भी ढंग से नहीं चला सकता, और साथ ही साथ तुम्हारा तो पता ही चल चुका है पैसे से प्यार करती हो यार तुम। सना मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं करता हूँ तुमसे प्यार, क्योंकि प्यार को भुलाना इतना आसान भी नहीं होता है। लेकिन जो लड़की मेरी माँ का सम्मान ना कर सके, जिस लड़की को ये पता ना हो कि अच्छा क्या होता है बुरा क्या होता है, जिस लड़की के अंदर घमंड हो, जिस लड़की के अंदर लालच हो, जिस लड़की को रिश्तों की कीमत ना पता हो, उसे तो मैं नहीं अपना सकता। खूब निभाया तुमने रिश्ता धोखा देके, यहीं तक था हमारा रिश्ता, आज के बाद कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना क्योंकि नफरत हो गई यार तुम्हारी शक्ल से, चले जाओ यहाँ से। शेखर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? वो नहीं कर सकता यार, तुमने नहीं किया क्या हमारे साथ? इतना गलत करके बैठी हो हमारे साथ और अब बोल लो कि हम तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? प्लीज चले जाओ मेरी नजरों के सामने से, प्लीज यार सना। माँ बैठे आप, तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है कि इंसान की जिंदगी में पैसे की ज्यादा अहमियत होती है या फिर प्यार की ज्यादा अहमियत होती है? बेसिकली इस वीडियो में हमने ये चीज देखा कि कई बार क्या होता है कि कुछ लोग आपकी जिंदगी में सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि आपके पास पैसा होता है, उनका मतलब सिर्फ पैसों से होता है, उनका रिश्ता भी सिर्फ पैसों तक ही होता है, पैसा जाने के बाद वो आपकी कद्र तक नहीं करते। ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहें, और साथ ही साथ हमने ये चीज़ भी देखी कि इंसान को स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए अपने चारों ओर, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारे आसपास गंदगी नहीं होती और साथ ही साथ बीमारियां नहीं फैलती हैं। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें शेयर करें, मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।